मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में गुस्साई महिला को फल विक्रेता के ठेले से पपीते फेंकते हुए देखा जा सकता है। वीडियो में दिख रहा है कि वे लगातार फल विक्रेता से बहस कर रही हैं और पपीते उठाकर जमीन पर पटक रही हैं। फल विक्रेता को उसके सामने रुकने की गुहार लगाते हुए देखा जा सकता है, लेकिन महिला सुनने को तैयार नहीं है। सड़क पर उनकी आवाजें और चीखें सुनकर आसपास रहने वाले लोग अपनी बालकनियों में आ गए और वीडियो रिकॉर्ड किया, जो अब ट्विटर, फेसबुक और अन्य सोशल मीडिया साइट्स पर वायरल हो रहा है। जानकारी के अनुसार महिला ने अपनी कार पार्किंग से निकाल कर सड़क पर खड़ी कर दी थी। ठेला वहां से गुजरा और उसके ठेले को महिला की कार ने धीरे से छुआ और कार पर खरोंच देखकर महिला का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। महिला पहले ठेला चलाने वाले पर चिल्लाई और फिर फल विक्रेता के ठेले से पपीते फेंकने लगी। पूरी घटना के दौरान ठेले वाला विनती करता रहा, मैडम ऐसा मत करो, मैं गरीब हूँ, लेकिन महिला ने उसकी एक नहीं सुनी। ठेले वाले ने यहाँ तक कह दिया कि वह नुकसान की भरपाई करेगा। हालांकि नाराज महिला नहीं रुकी और अपनी हरकतें जारी रखी। वीडियो देखने के बाद यूजर्स कह रहे हैं कि सड़क पर एक गरीब के ठेले से 8-10 पपीते फेंक कर महिला को क्या हासिल हो गया। लोगों ने फल विक्रेता के संयम को भी सराहना की। अगर वह इस महिला की तरह होता तो तस्वीर कुछ अलग होती। ये स्पष्ट नहीं है कि ठेले वाले को कितना नुकसान हुआ और क्या उसने महिला के खिलाफ कोई मामला दर्ज किया है। अरे अरे आई